Hello, welcome to Enlivening India. Today we discuss a very important topic of Indian Polity Historical Background Part 2. दोस्तों इससे हमने प्रायर लेक्चर में डिस्कस किया था कंपनी रूल, अब हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858. दोस्तों इस एक्ट को एक्ट ऑफ द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा गया. दोस्तों ये एक्ट जो है ये सिपाही म्यूटिनी या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 के बाद लागू किया गया. दोस्तों इस एक्ट के लागू होने से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, बहिष्कृत कर दिया गया, उसके सारे पावर्स समाप्त कर दिए गए और जितने भी पावर्स थे टेरिटरीज और रेवेन्यू के वो सारे ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट को ट्रांसफ़र कर दिए गए. तो आइए अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1858. दोस्तों इसके हम कुछ फीचर्स देखेंगे. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को रिप्लेस कर दिया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट से. तो दोस्तों वाइसरॉय अब जो रहेगा वो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेगा ब्रिटिश क्राउन रूल को इंडिया में और वो डायरेक्ट आंसरेबल होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को. तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग जो थे ये पहले वाइसरॉय थे भारत के और यही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे. दोस्तों इन्होंने डबल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बहिष्कृत करके ये डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था इसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया. तीसरा पॉइंट ये है कि इन्होंने एक नया ऑफिस क्रिएट किया जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के पास सारी अथॉरिटी होंगी और ये ही मेन कंट्रोल करेगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है और यही आंसरेबल होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को. फिर दोस्तों चौथा पॉइंट ये है कि 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई जो असिस्ट करेगी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को और ये एक एडवाइजरी बॉडी रहेगी. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को चेयरमैन ऑफ द काउंसिल नियुक्त किया जाएगा. पांचवा पॉइंट ये है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को बॉडी कॉर्पोरेट और इन्हें सारी अथॉरिटी प्रोवाइडेड होंगी इंडिया की और ये इंग्लैंड से होंगे. तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. दोस्तों इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा गया. लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वो वाइसरॉय रहे भारत के. तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. तो पहला पॉइंट ये है कि इस एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ाकर 16 से 60 कर दिया गया सेंट्रल लेवल पर और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो थे उनकी अभी गिनती यूनिफॉर्म नहीं थी, वो कम ज़्यादा हो रही थी. दूसरा पॉइंट ये था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ऑफिशियल मेजॉरिटी थी एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी थी. तीसरा पॉइंट ये था इस एक्ट से जो भी फंक्शन थे सेंट्रली एंड प्रोविंशियली लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो बढ़ गए थे. चौथा पॉइंट ये है इस एक्ट को बहुत से भारतीयों का समर्थन मिला जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर के साथ थे. दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले थे जिन्होंने वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन करी और उन्हें लॉ मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया गया. पांचवा पॉइंट ये था कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए मुस्लिम मेंबर्स को कि मुस्लिम मेंबर्स जो खड़े हैं वो उनको मुस्लिम वोटर्स ही वोट कर सकते हैं. तो ये एक चालू किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम, इसे लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म भी कहा गया और लॉर्ड मिंटो जो थे ये फादर रहे कम्युनल इलेक्टोरेट के. दोस्तों एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसीज कॉरपोरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटीज़ और ज़मींदार्स के लिए भी सेपरेट फंक्शंस सेपरेट रिप्रेजेंटेशन चालू किया गया. तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919
तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, अगस्त 20, 1917 में ब्रिटिशर्स ने एक ऑब्जेक्टिव पास किया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए भारत में। तो दोस्तों 1919 में इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाया गया और इसे फोर्स में 1921 में लाया गया, और इसे मोंटेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा गया। तो दोस्तों लॉर्ड मोंटेगू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के उस समय, और लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड जो थे वो वाइस रॉय थे। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं फीचर्स लॉर्ड मोंटेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1919 के। तो दोस्तों पहला फीचर ये है कि सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग करके कर दिया, और गवर्नमेंट को पूरी तरह से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पे काम शुरू कर दिया गया था, और प्रोविंशियल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। तो दोस्तों ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं जो वो गवर्नर हैंडल करेगा, और ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की मदद और उनके मिनिस्टर्स की हेल्प के साथ करेगा, और रिजर्व सब्जेक्ट्स जो थे वो भी गवर्नर ही डील करेगा, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से करेगा, और इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। इस डुअल स्कीम ऑफ गवर्नर गवर्नेंस को डायरकी या डबल रूल भी कहा गया। चौथा तीसरा पॉइंट ये था कि बाई कैमरलिज्म लागू किया गया। दोस्तों बाई कैमरलिज्म का मतलब था कि जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर ऑफ अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया। चौथा पॉइंट ये है कि इनके जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगे, इनके मेंबर्स, इनके मतलब काउंसिल में 3 से 6 मेंबर्स जो हैं वो भारतीय होने होने कंपलसरी थे। पांचवा पॉइंट ये है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है इन्होंने चालू कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाने लगे। सिख अगर कोई वोटर, मतलब सिख अगर कोई खड़ा है इलेक्शंस में तो सिख ही उसे वोट कर सकता है, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन, मुस्लिम को मुस्लिम, एंग्लो इंडियन को एंग्लो इंडियन। तो इस तरीके से वोटिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स के आधार पे की जाने लगी। छठवां पॉइंट ये था कि प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के आधार पर फ्रेंचाइजी ग्रांट होने लगी, और इन्होंने एक नया ऑफिस बना दिया था हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का लंदन में, जिसके कुछ पावर्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को भी ट्रांसफ़र कर दिए गए। आठवां पॉइंट ये है दोस्तों कि इन्होंने 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन की संस्थापना की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट किया जा सके। नौवां पॉइंट ये था कि अब इन्होंने बजट्स को भी प्रोविंशियली और सेंट्रली सेपरेट कर दिया था, अलग कर दिया था। मतलब अब सेंट्रल बजट अलग होगा, प्रोविंशियल बजट अलग होगा, और ऑथराइज्ड प्रोविंशियल लेजिस्लेटर अपने बजट्स को पेश कर सकते हैं। और दसवां पॉइंट ये है कि एक स्टैचुरी कमीशन का गठन किया गया, ताकि वो इस पे पूरे इनके जो 10 साल की जो रिपोर्ट है, 10 साल में, 10 साल के कार्यकाल में इन्होंने क्या काम किया, उस पे एक ये रिपोर्ट तैयार कर सकें। तो ये सारी चीज़ें थी। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।